नमस्ते, प्रणाम, राम राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आपका गौरांगी शर्मा ब्लॉग में। अभी बजे हैं सुबह के 6:30। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। तो इसी बात के साथ में आज हम चलते हैं झंडे वाली माता के दर्शन करने, जो कि है करोल बाग में। तो चलिए चलते हैं। और शर्मा जी तैयार हो गए, इधर ईजे भी तैयार हो गया। और मंदिर जाने के लिए हमने कैब बुक की है, कैब आने वाली है। ये देखो, सुबह सुबह जल्दी उठने का हाल है। नींद आ रही है? नींद नहीं आ रही है क्या? दोस्तों, चलते चलते मैं कुछ इस मंदिर के बारे में जरूरी बातें आपको बताना चाहती हूँ। ये मंदिर जो है दिल्ली के मध्य स्थित है, और झंडे वाला मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो झंडे वाली माता को समर्पित है। मान्यता है कि झंडे वाली माँ के दर्शन से लोगों की हर मुराद पूरी हो जाती है, और ये 100 साल पुराना मंदिर है। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं झंडे वाला माता मंदिर, और यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी है। अब देखते हैं कब तक नंबर आता है, लेकिन दर्शन तो करने ही हैं। जय माता की, बोलो बोलो, जय माता की। मंदिर के इतिहास की बात करें तो 100 साल से भी पहले दिल्ली के एक व्यापारी श्री बद्री भगत को सपने में माता ने दर्शन दिए थे। कहा था कि इस बंजर जमीन में तुम्हें मेरी मूर्ति मिलेगी। जब बद्री भगत ने मूर्ति ढूंढी तो उसी जगह उन्हें झंडे के नीचे माता की मूर्ति मिली। तब से उन्होंने यहाँ मूर्ति की स्थापना की। इसी कारण मंदिर का नाम झंडे वाला मंदिर पड़ा। राधे राधे, हंसते हंसते। यूट्यूब चैनल है मेरा, और सब्सक्राइब करो। अगर हमारा फर्ज यही बनता है कि हम इंसान को जगाए जो भक्ति से अलग है, उन्हें जो दोस्तों नवरात्रि चल रहे हैं और ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। श्रद्धालु लाखों की तादाद में आते हैं, लेकिन यहाँ के जो सेवादार हैं उन्होंने भीड़ को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रखा है, और किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही दर्शन करने में। बहुत ही आसानी से माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ माँ दुर्गा लक्ष्मी रूप में हैं, और इनके एक तरफ काली माँ और दूसरी तरफ सरस्वती माँ विराजित है। आप देख सकते हैं, एक तरफ काली माँ है और एक तरफ सरस्वती जी, और बीच में दुर्गा माँ लक्ष्मी जी का रूप लिए हुए हैं। ये माता रानी के चरण कमल। फिर दोस्तों हमने कुछ फोटो। दोस्तों भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग गेट हैं, और हम जब वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला यहाँ दर्शन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। तब हमने वहीं बारकोड से निशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, जिससे हमें काफ़ी आसानी से और बिना भीड़ का सामना करे बड़े ही आराम से माता रानी के दर्शन हुए। इसी के दूसरी तरफ माता रानी का अखंड कीर्तन चल रहा है, तो यहाँ भी दर्शन करिए। मंदिर में प्रसाद का चढ़ावा और माला का चढ़ावा मना है, तो हम नहीं ले गए थे। मंदिर से ही हमें प्रसाद मिला, और मंदिर में ही निशुल्क चाय की, शरबत की, मेहंदी की व्यवस्था भी थी, तो हमने चाय पी। मंदिर में दर्शन करने में हमें आधे घंटे का समय लगा, और फिर हम बाहर निकले। बाहर निकले तो बहुत तरह तरह के सामान हमने देखे और कुछ लिया भी। उसके बाद में हमने वेट कराया। वेट करते हैं ना, गरम काटे में जाने वाली है। काटा भी बोल रहा है, बचाओ बचाओ। 85 किलो है बाबू। 85 किलो? ये देख, ये कह रहे थे मेरा तो 70 किलो, 60 किलो है। 50 किलो है। उसके बाद में मैंने माता रानी के भवन से मैंने सिंदूर लिया, और बच्चे बहुत खुश हैं। आज बाहर निकले, दर्शन किए, बच्चे बहुत खुश हो गए। फिर मैंने मेहंदी लगाई, और मेहंदी लगाने के बाद में हम घर को आ गए हैं। घर जाने के बाद में हमें इजे के स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग भी अटेंड करनी है। इजे का जो सेमेस्टर 1 है उसका रिजल्ट आने वाला है। बुड़ा। आज तो सुबह सुबह घूमी हो गई। जय जय किया, जय जय किया, जय।
प्रणाम करो। मम्मा बोल मम्मा। तो पकड़ना। अच्छा अच्छा सुन सुन, केला खानी है? नहीं। खा ले यार, खा ले यार, केला खा ले, लाई हूँ मैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं घर पर। घर पर आने के बाद में गुड्डू की उड़ान शुरू हो गई। गाड़ी में बैठने के बाद में हमारा हो गया था मन खराब, तो हमने पी ली एक कोल्ड ड्रिंक आती। दोस्तों मैया के दरबार में कुछ ले जाना तो मना था, हमें वहीं से ड्राई फ्रूट वाला लड्डू मिला और बहुत ही स्वादिष्ट है ये। गुड स्पीड टू द सिटी स्ट्रीट्स, वी बिगन टू फील द फायर, वी राइज लाइक टॉल बिल्डिंग्स, as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. करें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।